अब जाकिर अल बैत सैयद बदर अब्बास आफ काजियाँ करम शाह जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। नबी ए सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है, नबी ए सजदे विच कंड ते बैठा हुसैन है। पाईबास जी पूरी तवज्जो, नबी ए सजदे विच कंड ते बैठा हुसैन है। कोई ये डसावे वड्डा ए सजदा या वड्डा ए मौला हुसैन है। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत सैयद बदर अब्बास साहब। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना, अल्लाहुम्मा कुनले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाएही फिहाज़े हिसाते वाफी कुल्ले साथ वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलन व आयना खत्ता तुस्किनहू व ज़कातवन व तुमत्तियहू फीखा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। जेड़े साहिबान पिछा बैठे हो थोड़ा थोड़ा गां आ जाओ, मेहरबानी करो, थोड़ा थोड़ा गां आ जाओ, अगर ही पखे हैं मेहरबानी करो ताकि मजलस का एक माहौल बन सके। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मुहम्मद की ज़ात, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बारी फिर सलवात तलावत फरमाओ, माँ सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाजत है नौकरी का आगाज़ किया जाए। वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे, लफ्ज़ों तवज्जो रखनी जी। वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे, ए पंचतन पाक दा घराना है जिदे विच हर कोई आले तो आला। वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे, उसका अर्चे पाक बीबी का मकाम दसना चाहना। वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे, उस घर में भी बस एक ज़हरा दिखाई दे, वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे। इस दर का मकाम दसना चाहना जिद मुतलक सरकार ने फरमाया कि दर अनबिया दे दर तू अफजल है। आ जाता है बतूल की चौखट पे जिब्राइल, आ जाता है बतूल की चौखट पे जिब्राइल, आ जाता है बतूल की चौखट पे जिब्राइल, जब चाहता है अर्श मुअल्ला दिखाई दे, वो घर के जिसमें है कोई आला दिखाई दे। वो घर के जिसमें है कोई आला दिखाई दे, ऐ ज़ुल्फ़िकार कौन सी आँखें हैं तेरे पास, ऐ ज़ुल्फ़िकार कौन सी आँखें हैं तेरे पास। तवज्जो जी, महशर महशर तलक का घर तुझे शजरा दिखाई दे, लफ्ज़ां ते तवज्जो रहो मेहरबानी।
वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे। मलंगा ने हैदर का मकाम दसना चाहना, सलवात पढ़ो एक बार, सले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो चार मुर्तजा के फकीरों की गैर गो, दो चार मुर्तजा के फकीरों की खैर हो, वरना वरना तवज्जो जी, वरना ये कायनात ही कूफा दिखाई दे। वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे। ऐसे है खुर के माथे परुमाल सैयदा, ऐसे है खुर के माथे परुमाल सैयदा, काबे काबे पे जैसे काबे का पर्दा दिखाई दे। वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे। सलावत पढ़ मोहम्मद। एक बारी अजान हो गए, सले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावात दा पढ़ना अजीम इबादत है, ते अजान वे ही बुलंद आवाज नाल सलावात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सले अला मोहम्मद वाले। इजाजत एक और मुनकबत पेश की जाए। या अली झुकती 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 है जब तेरी ये पुरनूर जबीं, तब मुसल्ले पे कोई नूर बिखरता होगा। तेरी खैरात पे आया तो उतरती है तू फिर, तेरे सजदों में तो रब आप उतरता होगा। बशर का इदराक, बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। कौन अली? वो जिसकी ठोकर, वो जिसकी ठोकर का दूसरा नाम जिंदगी है, वो बस अली है। बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। ये सब है इसकी विला के दर्जे, सिले हैं सब इसकी मारिफत के,
ये सब है इसकी विला के दर्जे, सिले हैं सब इसकी मारिफत के, वो जिसके सदके, वो जिसके सदके कोई नबी है कोई वली है, वो बस अली है। बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। बहुत बड़ा शेर पढ़न जा रहे हैं, एक बार सलावात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाले। बेदार होके सुनना है जनाब, सो के नहीं शेर सुनना। बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है, आमल सभी मोहतरम है जिनके, खिलौने लोगो कलम है जिनके, आमल सभी मोहतरम है जिनके, खिलौने लोगो कलम है जिनके, वो जिसकी औलाद, वो जिसकी औलाद चांद सूरज से खेलती है वो बस अली है। बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। तवज्जो जी शेर। नबी के खमराग दो जहां जिस बतूल के वास्ते है खड़े हैं, नबी के खमराग दो जहां जिस बतूल के वास्ते खड़े हैं, वही बतूल, वही बतूल उठ के जिसकी तादीम कर रही है वो बस अली है। बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है। सलावात पढ़ो मोहम्मद मोहम्मद वाले। चंद अशार मसाइब देते तालवे दुआ। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, ना जाने क्या किया जालिम ने फातिमा पे सितम, ज़ईफ हो गई बेटी रसूल की एकदम, सनद के टुकड़ों को दरबार में उठाते हुए, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, वो मुझसे छुप कर मेरी बेकसी पे रोता है, ख्याल रख ना ये नाजुक मिजाज बेटा है, शबीर को, शबीर को मेरे जनाजे
से घटाते हुए बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए।